अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं पुलाव, और पहले मैंने यखनी पुलाव बनाया था और आज मैं दूसरे तरीके से पुलाव बना रही हूँ। उसमें यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसके लिए हमने लिया है ये तकरीबन 750-800 ग्राम गोश्त है, और ये इसमें 2 टमाटर डलेंगे बारीक चॉप हुए हुए, ये 6-7 हरी मिर्चें हैं, 1 लहसुन अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन और टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, और ये सारे खड़े मसाले गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता, 2 इलायची, ये फूल है, ये लौंग है थोड़ी सी, 1 छोटी चम्मच, और ये काली मिर्च, काली मिर्च इसमें ज़रा ज़्यादा पड़ती है, और ये छोटी इलायची है, और ये मसाले सारे जो है उसमें जाएंगे। तो ये साबित ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, और ये कुटा भुना जीरा है 1 चम्मच टीस्पून, और नमक हसबे ज़ायका जितना भी हो डालें, और ये प्याज है तकरीबन 2 बड़ी साइज़ की प्याज है, इनको बारीक बारीक काट लिया है, और ये तेल है। तो चले पकाना शुरू करते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे, तकरीबन आधी पौनी प्याली जो है तेल डलेगा इसके अंदर, क्योंकि तेल चावल तक का डल जाता है, और इसमें यखनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी वाली क्विक रेसिपी है ये। इसमें ये सारे जो गर्म मसाले हमने बताए थे ये सारे इसमें चले जाएंगे, हो जाते हैं। पुलाव में जो है साबित गरम मसाले ज़रा ज़्यादा डलते हैं। वैसे यखनी का जब हम बनाते हैं तो वो तो यखनी में अलग डालते हैं, फिर मसाले में अलग डालते हैं, लेकिन इसकी क्योंकि यखनी नहीं बन रही तो इसमें कुछ ज़्यादा डालेंगे गरम मसाले सारे। गरम मसाला थोड़ा सा चटकने लगा है तो इसमें प्याज डालते हैं। तो कुकर में हम इसलिए पका रहे हैं कि गोश्त गलाना है, मतलब जिस पतीले में चावल पकाने हैं पुलाव बनाना है मैं उसी में कर लेती, लेकिन ये कि इसके अंदर गलाना ज़रूरी है, वरना फिर तकरीबन 1 घंटा लग जाता है तो फिर सिलेंडर ही ख़त्म हो जाता है हमारा। इसमें ये कि 4-5 सीटियों में गल जाएगा, और ये डार्क ब्राउन होती है जब तक गोश्त गलाना। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन इसमें पुलाव में ज़रा डार्क होती है तो पुलाव की रंगत जो है अच्छी आती है, तो इसको थोड़ा और डार्क करेंगे, उसके बाद इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं इसमें। लहसुन अदरक अच्छी तरह उसकी स्मेल निकल गई है, लहसुन अदरक की भुन गया, तो अब इसमें हम डाल देंगे ये सारे मसाले जो हमने रखे थे, इसको ज़रा सा एक थोड़ा चलाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर नरम होने तक इसको पकाएंगे। और ये गोश्त भी डाल देंगे तो गोश्त भी भुलता रहेगा, टमाटर भी गल जाएंगे इसके अंदर, और ये जो हरी मिर्चें काट के रखी थी ये भी इसके अंदर। इसमें लाल मिर्चें और ये सब तो डलता ही, हरी मिर्चों का ही होता ही लास्ट, बस अब गोश्त इसके अंदर अच्छी तरह से तल जाएगा जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। Thank you.
तीन चीटे दे के इस तरह से पानी के और इसको और अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको जलाओ के पानी डाल देंगे। इसे में गल जाएगा और फिर जब चावल डालेंगे तो फिर पानी चेक कर लेंगे कि और डालना है या सही है। थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा तकरीबन 2 गिलास चावल के लिए। कुकर बंद कर दिया है। तकरीबन 3-4 सीटी में ना गोश्त गल जाएगा, उसके बाद फिर बताते हैं कि क्या करें। पतीले में डालेंगे ताकि इसके अंदर चावल डाल सके। एकदम दड़ से गिरेगा। बस इसमें अब चावल डालते हैं थोड़ा गर्म करके, फिर थोड़ा बहुत पानी भी डाल देंगे। पानी भी थोड़ा डालेंगे चावल के हिसाब से। पहले हम 3 हरी मिर्च डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आती है। और बस अब चावल डाल देंगे। अब ये है कि जो इसका यखनी सी बनी हुई है इसमें हम चखेंगे थोड़ा सा लेकर, अगर नमक कम हुआ तो थोड़ा और डाल देंगे। थोड़ा सा पानी आधे घंटे हमने चावल भिगोए और 800 ग्राम गोश्त था तो 800 ग्राम ही हमने चावल लिए इसके अंदर। यखनी में ज़रा तेज निकलता हुआ नमक होता है ना, तो फिर चावल बिल्कुल सही बनते हैं। तो इतना नमक हम इसमें और डालें। पर आ गए बस ये चावल। अब हम इसको तवे के ऊपर पतीले को रख दूंगी तो ये तकरीबन 6-7 मिनट में मुकम्मल दम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। हो गया बस तैयार। 1-2 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह झटपट मज़ेदार पुलाव हमारा रेडी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसी के साथ हमें ये व्लॉग को एंड करते हैं। हमारे सारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।